नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा कर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके बच्चेदानी को कैसे आप रेडी करोगे प्रेगनेंसी के लिए, और एक ऐसा कारण भी इस वीडियो में जानने वाले हैं जिसकी वजह से बच्चेदानी आपकी कमज़ोर हो जाती है और इसके कारण आपको गर्भधारण नहीं होता है। अगर आपकी बच्चेदानी कमज़ोर होती है तो जो अंडा है उसको ये कैरी नहीं कर पाती है एग को, और फिर गर्भधारण इसी वजह से नहीं होता। कई सारी महिलाओं को पता भी नहीं होता और ये सारे कारण उनमें होते हैं। इस वजह से हर महीने आपके पीरियड आ जाते हैं, आप हर महीने उम्मीद लगाए बैठते हैं कि प्रेगनेंसी रुक जाएगी, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी महिलाओं को देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा होम रेमेडी बताऊंगी जिससे कि आपका बच्चेदानी बहुत ही जल्दी इवन वन मंथ में ही रेडी हो जाएगा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और अगर जिन महिलाओं की बच्चेदानी कमज़ोर होती हैं उनको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी जल्दी नहीं होती है, और आगे जाके कई सारे विकार भी हो जाते हैं और भी परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है, जिसमें कि एंडोमेट्रियसिस एक बहुत ही ज़्यादा घातक परेशानी होती है, वो उत्पन्न हो जाती है, ट्यूब्स में प्रॉब्लम हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, अर्ली मिसकैरेज हो जाते हैं, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो ये जितनी भी परेशानियां हैं जो आपको गर्भधारण नहीं करने दे रही है, तो इसको कैसे दूर किया जाए ये इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊँगी। और ये बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है और बहुत जल्दी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करा देगा। 100% नेचुरल है और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और भी नए व्यूवर्स हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही मोर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिलते रहें, और फ्रेंड्स आप जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव कर लें। आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और बच्चेदानी का मुंह आपका जल्द से जल्द ओपन हो जाए, इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा होम रेमेडी बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि बच्चेदानी का मुंह समय पे ओपन ही नहीं हो पाता, जिसके वजह से प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो पाती है। महीने भर आप ओवुलेशन भी ट्रैक कर लेते हो, आपके बच्चेदानी का जो सर्विक्स एग्जामिनेशन होता है वो भी करते हो, फिर भी आपको समझ नहीं आता कि बच्चेदानी का मुँह ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। तो बहुत सारी महिलाओं में एक ही कंडीशन होता है, प्रेगनेंसी कंसीव इसीलिए नहीं होती है क्योंकि बच्चेदानी का मुंह ओपन ही नहीं होता। बच्चेदानी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि प्रेगनेंसी को वो ले पाए जल्द से जल्द। तो इस तरीके की अगर आपको परेशानी आ रही है, आप बहुत सारे ट्रीटमेंट करा रहे हो फिर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और आपकी बच्चेदानी में कमजोरी है, तो ये एग को संभाल भी नहीं पाएगा और प्रेगनेंसी होने के बाद मिसकैरेज के चांसेस को भी बढ़ा देता है। तो ऐसी किसी भी कंडीशन को क्रिएट होने के पहले ही आपको इसका उपाय करना होगा, और इसके लिए होम रेमेडी बहुत ही अच्छा है, नेचुरल 100% आयुर्वेदिक है, इससे कोई भी तरीके की अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होती है, और इससे आपकी बच्चेदानी बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर जल्दी हो जाएगी प्रेगनेंसी के लिए। इसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि आपको 20 जौ के दाने ले लेने हैं और 20 आपको तिल ले लेने हैं, और इस दोनों को अच्छे से कूट लेना है, पाउडर फॉर्म में बना लेना है, और इसमें आपको 40 ग्राम खांड लेके आना है, वो भी मिक्स कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स करके किसी भी बॉक्स में डब्बे में भर के रख दीजिए, और इसकी आपको 5 ग्राम की मात्रा सुबह सुबह आपको खाली पेट शहद में मिला करके लेनी है। इससे आपको बहुत ही नेचुरल तरीके से आपका जो बच्चेदानी है वो हेल्दी हो जाएगा, जल्दी से जल्दी वो कैपेबल हो जाएगा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक इलाज है जो कि 100% रिजल्ट देता है फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी इवन वन मंथ के अंदर ही आपकी बच्चेदानी प्रिपेयर्ड हो जाएगी प्रेगनेंसी गेन करने के लिए। फ्रेंड्स, कई सारी महिलाओं को लाइफ स्टाइल में छोटी छोटी परेशानियाँ आती हैं जिसकी वजह से आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है प्रभावित हो जाती है। इसको हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घरेलू उपाय करें, क्योंकि घरेलू उपाय किए बिना आप जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हो। नेचुरल तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए आपको फाइबर वाली चीज़ें खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये होम रेमेडी तो करना ही है, इसके साथ ही डाइट में भी चेंजेस करना है। फाइबर जिसमें होती है हाई रिच फाइबर, वो सारी चीज़ें आपको लेनी है, जैसे कि हर साग पत्तेदार सब्जियाँ, ब्रोकली, बीन्स, स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज, इन सारी चीज़ों में बहुत ही अच्छे रिच फाइबर की कंटेंट होती है, ये आपको बहुत अधिक से अधिक खाना है। इवन डेली आप इस तरीके की फूड कंजप्शन करेंगे तो आपका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और बहुत ज़्यादा आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओगे।
इसके अलावा फ्रेंड्स, जिस फ्रूट्स में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है वो फ्रूट्स आपको लेना है। खट्टे फलों में विटामिन सी बहुत होता है और ये बहुत हेल्दी होता है, स्पेशली महिला के प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो आप विटामिन सी युक्त जो भी आती हैं चीज़ें खाने की, फल फ्रूट हो गया, या फिर आप फल फ्रूट नहीं खा पाते हैं तो नींबू पानी लेना स्टार्ट करिए। नींबू में विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, संतरे में भी बहुत अच्छी पाई जाती है। इसके बाद आपको डेयरी प्रोडक्ट, अगर डेली आप पनीर, छाछ या फिर आप चीज़ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बटर का करते हैं, तो जो भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और भी बूस्ट करता है, जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रेडी कर देता है और बहुत अच्छे से मजबूती आपको देता है। तो ये भी आप लेना स्टार्ट करिए। जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनको फिश खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ही स्पेशल होता है आपके डाइट में शामिल करना। अगर आपको किसी भी प्रकार की इनफर्टिलिटी इशू है तो आप मछली खाना स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड। और साथ ही साथ बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखने के लिए और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। डेली बेस पे करीब एक बार आप ग्रीन टी जरूर पिए। जब भी आप खाना खाते हैं उसके 30 मिनट पहले आपको ग्रीन टी लेना है। ये भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट होती है और इसमें ऐसे कई सारे तत्व होते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाती है और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हेल्दी कर देती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपको जरूर ध्यान देना है। जो मैंने आयुर्वेदिक होम ट्रीटमेंट आपको बताया है वो जरूर लीजिए। अगर बच्चेदानी से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है या फिर बहुत लॉन्ग टाइम से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, हर बार आप कुछ भी प्रयोग करते हैं वो फेल हो जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इससे बहुत ही अच्छे से मजबूती आएगी आपके बच्चेदानी में और आपका बच्चेदानी जल्द से जल्द ओपन भी हो पाएगा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। इन द होल आपको तभी ट्राई करना है जब आपका ओवुलेशन का टाइम होता है। बच्चेदानी ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपने सर्विक्स एग्जामिनेशन किया, आपको पता नहीं लगा, फिर भी आपको ओवुलेशन के दौरान कॉन्टेक्ट में रहना है, ये ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देता है। क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चेदानी अगर कैपेबल हो गई इन सारी चीज़ों से और हेल्दी हो गई तो वो ओपन भी धीरे धीरे होने लगेगी। ओवुलेशन का समय ट्रैक करने के लिए बहुत सारी वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ओवुलेशन ट्रैक कैसे करना है आपके पीरियड साइकिल के हिसाब से वो आपको पता लग जाएगा। इवन आपको पीरियड जिस दिन आते हैं उसके 10वें दिन से आपको अल्टरनेट बेसिस पे कॉन्टेक्ट में रहना है, इससे आपको बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि कई सारी महिलाओं को, इवन 10 में से 7 महिलाओं को बच्चेदानी के संबंध में परेशानी आती है, जबकि यही एक कारण होता है प्रेगनेंसी गेन नहीं करने का। सारे हार्मोन्स नॉर्मल हैं, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, लेकिन आपकी बच्चेदानी कैपेबल नहीं है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। जो मैंने होम रेमेडी बताई है वो जरूर यूज़ करिए और इससे आपको बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही पानी अच्छे से पीना स्टार्ट करिए ताकि आपके बॉडी में जो भी विषैले पदार्थ हैं बॉडी आपकी डिटॉक्स होती रहे। पानी एक बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स होता है जो आपके शरीर से गंदगी को हटाता है, तो पानी अच्छे से पीना है। करीब आपको 13 से 14 गिलास पानी पूरे दिन भर में लेना ही लेना है और इसके साथ हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस करते रहना है ताकि आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से फ्लो में रहे, होता रहे, ताकि इसकी वजह से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से काम करता रहे। तो इन सारे छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करिए, आप बहुत ही जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स, और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, नमस्कार। Thank you.